बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, अध्यात्म क्या है, रूहानियत क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, ये सवाल हम सबके सामने बार बार खड़े रहते हैं। सृष्टि किसने रची, हमारा रिश्ता नादा सृष्टि के साथ क्या है, और जिसने रचना की उसके साथ क्या है। और इन सवालों के जवाब हजारों सालों से हम इंसान ढूंढते चले आए हैं। आजकल साइंस का जमाना है, साइंस बार 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 हमें ये समझाती है कि किसी भी चीज़ में जिसमें हम यकीन करें उसका प्रूफ चाहिए। अगर पिता परमेश्वर हैं, उन्होंने सृष्टि रची, उनसे हमारा कोई रिश्ता नाता है, तो साइंटिस्ट चाह गए उसका प्रूफ हो। अगर इस दुनिया के आगे कुछ और भी है उसका भी प्रूफ चाहिए। और साइंटिस्ट जैसे जैसे नेचर को समझने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई जिसे हाइपोथेसिस कहते हैं उसको प्रेजेंट करते हैं। वो कहते हैं कि ये चीज़ ऐसी होगी, और फिर उसको समझने के लिए वो कोई एक्सपेरिमेंट बनाते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पता लगेगा कि ये चीज़ ऐसी है कि नहीं है। फिर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं अलग अलग अलग, काफ़ी देर के लिए करते हैं। फिर जो एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स आते हैं उनको वो टैबलेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और फिर नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये जो हमने कहा था, जो हाइपोथेसिस बनाई थी, ये ठीक है कि नहीं है। तो जब हम अध्यात्म के रास्ते पर जाते हैं तो हाइपोथेसिस क्या है, क्योंकि जो अध्यात्म या रूहानियत ये भी बहुत ही साइंटिफिक है। इसकी समझ तब आती है जब हम अपने आप के साथ इसका अनुभव करें। तो जो रूहानियत का रास्ता है उसमें सबसे पहली चीज़ जो कि माँ पर समझ समझाते हैं, वो था कि पिता परमेश्वर हैं, उन्होंने सृष्टि को रचा, उनके अंदर एक से अनेक होने का उन्होंने संकल्प किया, उनसे एक हिलोर उठी जिसके जरिए कई खंडमंडल बने, और ऐसे सृष्टि की शुरुआत हुई। जब मंडल बने तो उनको बसने के लिए पिता परमेश्वर ने अपने अंशों को अपने आप से अलग किया, और फिर अलग अलग मंडलों में बसने के लिए उन अंशों को भेज दिया। पिता परमेश्वर को हम परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, वाहेगुरु कहते हैं, यहोवा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, और हजारों नाम हैं। और परमात्मा का अंश आत्मा, उसको आत्मा कहें, रूह कहें, सोल कहें, वही ताकत है जो हमें जान दे रही है। जब तक वो ताकत इस शरीर में है हम जीवित रहते हैं। आप में से बहुत से भाई बहनों ने देखा होगा आपकी फैमिली में, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, फैमिली में किसी की मौत हो गई, चाहे हमारे दादाजी हों, दादी जी हों, नाना जी हों, नानी जी हों, या पेरेंट्स हों, या और अंकल आंट्स, जिन सारे बुजुर्ग हैं, जल्दी उनकी डेथ हमारी जिंदगी में हो जाती है। और मौत के समय जब उस इंसान को हम देखते हैं तो देखने में वो कुछ फर्क नहीं लगते जैसे वो जीवित स्टेट में थे, लेकिन ना वो देख सकते हैं, ना वो सुन सकते हैं, ना वो चख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना चल सकते हैं, कुछ कर नहीं पाते। तो हम लोग कहते हैं इनकी मौत हो गई, अपने अपने रीति रिवाजों से, चाहे हम उनसे जितना मर्जी प्रेम हो, जब एक बार ये पूरे यकीन से सबको लगता है कि
इस इंसान की मौत हो गई तो हम क्या करते हैं? वो कहते हैं इनको शमशान भूमि में लेके जाओ, इनको घर से बाहर करो। क्यों? वो इंसान जिसको हम इतना प्रेम करते थे, वो इंसान जिसके बगैर हम जी नहीं सकते थे, हम कहते हैं इसकी जरूरत नहीं शरीर की, इसको या दफना दो या इसको क्रीमेट कर दो, आग लगा दो। आप जीवित हो तो अपने आप को दफना के देखो, आग लगा के देखो, कितनी तकलीफ होगी आपको। लेकिन हमें अंदर से यकीन हो जाता है कि जो इंसान था वो चला गया, ये सिर्फ शरीर रह गया, ये पांच तत्वों का बना है, इसको उन तत्वों में जाकर मिला दो और अपने अपने रीति रिवाजों के लिहाज से हम उसी को जिसको बहुत प्रेम करते थे, जो हमारे बहुत नज़दीकी थे, उनको फिर शमशान भूमि की ओर ले जाते हैं। अब उनके साथ हुआ क्या? जो असलियत थी, जो ताकत थी, जो आत्मा थी, जो शरीर को जान दे रही थी, उसने उस शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ दिया। और जब उस ताकत ने उस शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ दिया, तो फिर उस शरीर में कोई ताकत नहीं रही कि वो कुछ कर सके। और वही आत्मा जो शरीर को जान दे रही थी, वही हमारा असली रूप है। असली मायनों में हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हमारा दिमाग नहीं, हम एक आत्मा है जो शरीर में भेजी गई है। 84 लाख जिया जून है जिसमें हमारी आत्मा जा सकती थी। पिता परमेश्वर हमसे खुश हुए, हमें वो शरीर दिया जिसको रूफ एंड क्राउन ऑफ ऑल क्रिएशन कहा जाता है, कि सब चोलों में सबसे उत्तम है। क्यों उत्तम है? कि इसमें प्रभु ने हमें विवेक की कैरेक्टरिस्टिक दिया है कि इंसान ये निर्णय कर सकता है ये सच है, ये झूठ है, ये ठीक है, ये गलत है, और सच्चाई की ओर कदम बढ़ा सकता है। तो उस कैरेक्टरिस्टिक का हमने इस्तेमाल करना है। जितना उसको इस्तेमाल करेंगे उतना हमारे सामने असलियत खुलनी शुरू हो जाएगी। और बार 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 माँ को समझाते हैं कि अपने आप का अनुभव हम इस शरीर में जीते जी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि मरे, मौत हो तभी हम कौन है उसकी जानकारी हमें। हम इस शरीर में होते हुए हम कौन हैं, हम क्या हैं, हमारा रिश्ता नाता पिता परमेश्वर से क्या है, उसकी जानकारी पा सकते हैं। इसीलिए जो अभ्यास करने का तरीका है, जो शरीर से ऊपर उठने का तरीका है, उसे जीते जी मरने की विद्या कहा गया। कवि सब फरमाते हैं कि जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही तो पाइए पूर्ण परमानंद। हर एक इंसान मौत से डरता है, सबको लगता है मौत ना आ जाए, मुझे मेरी फैमिली में ना आ जाए, मुझे तकलीफ ना हो। जिस मौत की यहाँ कबीर साहब फरमा रहे हैं, वो शरीर से ऊपर उठना है कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। वो कहते हैं कि जब शरीर से मैं ऊपर उठता हूँ तो मैं अंदर की दुनिया में जाता हूँ, प्रेम की दुनिया में, खूबसूरती की दुनिया में, जहाँ खुशी खुशी है, सुख ही सुख है, दुख दर्द का नाम नहीं। कहते वहां पहुंचकर ही सदा सदा का आनंद मैं पाता हूं। और संत कृपाल सिंह जी महाराज बड़ी बड़ी फरमाते थे कि व्हाट वन मैन कैन डू सो कैन अदर, जो एक इंसान कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। हम में से हर एक असलियत को जान सकते हैं, हम में से हर एक पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। फर्क ये है कि किस ओर हम ध्यान देते हैं। अगर हमारा ध्यान मन इंद्रियों के घाट पर रहेगा, प्रभु ने हम सबको 5 इंद्रियां दी हैं, आंखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जबान से चखते हैं, स्पर्श की इंद्रियां। तो इन 5 इंद्रियों के जरिए क्या हो रहा है? हमारा ध्यान जो हमारी आत्मा का भारी रूप है वो
बाहर की दुनिया में जा रहे हैं। ये दुनिया जिसे महापुरुषों ने माया की दुनिया कहा, ये धरती जिस पर हम रह रहे हैं इसको कहते हैं कि पिंड का हिस्सा है, पिंड देश का हिस्सा है, पिंड के ऊपर अंड का देश है, अंड के ऊपर ब्रह्मांड का देश है, उसके ऊपर पारब्रह्म, उसके ऊपर सचखंड। सचखंड वो है जहां चेतनता ही चेतनता है, माया की मिलावट नहीं। जैसे जैसे वो ताकत प्रभु के नीचे उतरी, कई खंडमंडल बने, सबसे पहले सचखंड, फिर पारब्रह्म, फिर ब्रह्मांड, फिर अंड और फिर पिंड। अब पिंड के देश में ये धरती है, आसमान है, हमारा सूर्य है, चंद्रमा है, और कई और गैलेक्सीज हैं, ये सब पिंड के देश में है। और ये देश माया से भरपूर है, जड़ता से भरपूर है। तो ये जो पांच इंद्रियां हैं, देखने की, सुनने की, सूंघने की, चखने की, स्पर्श की, इससे हमारा ध्यान इस माया की दुनिया में जाता है। अब जो हम देखते हैं, हम सोचते हैं वही असली है। तो जब से हम छोटे थे हमें समझाया जाता है, और तुमने खुद देखा ये ठीक है, तुम अपने कानों से सुनते हैं, हम सोचते हो तो मैंने खुद सुना ये बिल्कुल ठीक है। ये भूल जाते हैं कि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, अगर ये माया की दुनिया है तो माया के मतलब को हम समझ नहीं पाते। माया का मतलब है जो देखने में कुछ और हो, अंदर से कुछ और हो। जो हम यहाँ देख रहे हैं वो सीमित है, ये जो हमारी आंखें हैं इनकी जो देखने की पावर है वो सीमित है। हो सकता है बहुत साफ होगा तो हम 1 मील 2 मील 3 4 5 6 मील तक दे सकें, 8-10 मील भी दे सकें, अगर हमारी 20x20 विजन है, लेकिन फिर लिमिटेड है, उससे ज़्यादा हम देख नहीं सकते। और हम खुद सिर्फ जड़ता को देखते हैं, जैसे हम इंसान को देख रहे हैं उसके अंदर के ऑर्गन्स को देख नहीं सकते। लेकिन साइंटिस्ट ने वो मशीनें बनाई जिसके जरिए शरीर के अंदर ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं, क्या उसकी जानकारी हो। तो हमारी जो आईसाइट है लिमिटेड है, ऐसे ही जो सुनने की शक्ति है वो भी लिमिटेड है। सर्टन कई फ्रीक्वेंसीज हैं जो हम सुन सकते हैं, उसके ऊपर नहीं सुन सकते, उसके नीचे नहीं सुन सकते। अब कई जानवर ऐसे हैं जो अलग उससे फ्रीक्वेंसी सुनते हैं। वो कहते हैं जब सुनामी आया था, 4-5 साल हो गए हैं, तो उसका सबसे ज्यादा अफेक्ट थाईलैंड वाले एरिया में हुआ था। इस समय दुनिया के बड़े बड़े देशों में तरह तरह की बड़ी बड़ी मशीनरी और कंप्यूटर्स हैं जो प्रिडिक्ट करते हैं, जो समझने की कोशिश करते हैं कि मौसम कैसा होगा, बता दीजिए कल कैसा मौसम होगा, परसों कैसा होगा, बड़े बड़े कंप्यूटर और बड़ी दुनिया में। अब जो सुनामी आया, उनमें से कोई भी नहीं बता सका कि सुनामी आने वाला है, लेकिन वो कहते हैं कि थाईलैंड में जो वहां पर हाथी थे, 3 दिन सुनामी से पहले आने के, वो सब जहां पानी था उससे दूर पहाड़ों की ओर चले गए 3 दिन पहले। उन्होंने शायद कुछ हलचल पैरों में समझी होगी, जो भी उनकी अंदर जो कुछ भी प्रभु ने दिया है उन्हें मालूम हो गया कि 2-3 दिनों में गड़बड़ होने वाली है, वो सब के सब पहाड़ों में चले गए। और हम इंसान जो हम सबसे हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमको बहुत कुछ पता है, और इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स और इतनी बड़े बड़े नॉलेज जो इंसान की है, उसको समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्योंकि हम सबका सब कुछ सीमित है। देखने की शक्ति भी सीमित, सुनने की भी शक्ति सीमित, टेस्ट भी हम 4-5 चीज़ें कर सकते हैं, ये नमकीन है, ये मीठा है, ये खारा है, उसके आगे हमारा टेस्ट कुछ नहीं जाता। सूंघ भी वही 4-5 सेंट सूंघ सकते हैं, और स्पर्श की इंद्रिय जहाँ टच कोई करता है वही चीज़ फील होती है, वो सब लिमिटेड है। और जब हम वो लिमिटेड चीज़ों से कुछ जानकारी पाते हैं, हम सोचते हैं हो मेरे को तो बहुत कुछ आता है। जब हम बैचलर डिग्री कर लेते हैं, फिर मास्टर डिग्री कर लेते हैं, फिर PhD कर लेते हैं, हम सोचते हैं मेरे को तो बहुत कुछ आता है। ये समझ नहीं आती कि जो PhD करता है वो थोड़े से एरिया की जानकारी पाता है। कोई बायोलॉजी में करेगा, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करेगा, कोई किसी और चीज़ में करेगा PhD, उसी एरिया का ज़रा सा उसको पता है। हम सोचते हैं ये इसको बहुत कुछ पता है, लेकिन इसको थोड़ा सा पता है। पिता परमेश्वर जिसने ये सृष्टि रची, उसकी जानकारी क्या होगी। अब इतने धरती के आसपास अलग अलग प्लैनेट्स घूम रहे हैं, लाखों करोड़ों साल से घूम रहे हैं,
टकरें तो रोज नहीं होती, यहां किसी भी दुनिया में जाओ हर साल लाखों मौतें सिर्फ कारों की टक्करों करके होती हैं। और हमने रूल्स भी बनाए हुए हैं, इतनी स्पीड से ज्यादा नहीं जाना जी, ये लाइट है लाल लाइट है तो रुको, हरी है तो चल पड़ो, और बड़े रूल्स अपनी तरह से बनाए, तो उसके बावजूद भी हम उन चीजों को रोक नहीं पाते। और पिता परमेश्वर ने सबको रचा हुआ, अपने आप तो नहीं चल रहा, कोई तो इसको चला रहा है। और साइंटिस्ट भी जो सृष्टि कैसे बनी उस और ध्यान दे रहे थे, तो जो लेटेस्ट थ्योरी उनकी थ्योरीज बदलती रहती है साइंटिस्ट की, जैसे जैसे जानकारी ज्यादा होती है वो थ्योरी को बदल देते हैं। आजकल वो एक बिग बैंग थ्योरी में बिलीव कर रहे हैं कि एक धमाके से सारी सृष्टि रची गई, और कह रहे हैं कि हमें थोड़े से सेकंड जैसे सृष्टि को तब तक पहुंच पता लग गया क्या हुआ है, लेकिन उस समय क्या उसकी जानकारी नहीं। और महापुरुष बार 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 समझा रहे हैं कि जैसे कबीर साहब ने फरमाया कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। कि अव्वल अल्लाह, उसे अल्लाह कहें, वाहेगुरु कहें, परमात्मा कहें, गॉड कहें, यहोवा कहें, किसी भी नाम से पुकारे, नूर पाया, उनसे नूर निकला, उसे नूर कहो, ज्योति और श्रुति कहो, लाइट एंड साउंड ऑफ गॉड कहो, होली वर्ड कहो, एक एक क्रिएटिव पावर, एक ताकत जिससे सारी सृष्टि रचेगी। कह रहे कुदरत के हम बंदे के हम सब उसी नूर से उत्पन्न हुए हैं। वो कहते हम कहने वाले कौन है कि ये ऊंचा है ये नीचा है, ये अच्छा है ये बुरा है। यही संत महात्माओं का नजरिया है, वो हमें समझाते हैं कि सब चीज यहाँ प्रभु के जरिए रची गई, इसके सारी चीजें अच्छी हैं। ये हमारा नजर से तो ये इंसान बुरा ही अच्छा है, क्यों, क्योंकि उसका बिहेवियर कैसा है, लेकिन उसके कर्म क्या है उसकी हमें कोई जानकारी नहीं। तो जब संत महापुरुष हमें देखते हैं, वो हमारी बुराई को नहीं, हमारे भारी रूप को नहीं, वो हमारे अंदर जो प्रभु की ताकत बस रही है जिसे हम आत्मा कहते हैं उसकी ओर ध्यान देते हैं। और वो आत्मा क्योंकि प्रभु का अंश है तो प्रभु के प्रेम से भरपूर है, सच्ची सुची है, और उसी को महापुरुष चाहते हैं कि उभार मिले ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। संदर्शन सिंह जी महाराज ने इसके बाद लिखा है कि खाक से ताबा क्या कशा, हमने तो जब किया सफर, इश्क मिला कदम कदम हुस्न मिला नजर नजर। क्यों कहते हैं कि जब मैं इस शरीर से ऊपर उठा और अंदर की दुनिया में गया, इसको चिदाकाश कहा जाता है, एक तो आकाश ऊपर अंदर की दुनिया को चिदाकाश कहते हैं, अंदर के जो आकाश है, तो कहते हैं कि इश्क मिला कदम, हर कदम पर प्रभु का प्रेम मिला और हर एक नजर में दृश्य और सुंदर और सुंदर और सुंदर मिला। कि अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया, प्रेम की दुनिया का रंग जब हमारे ऊपर चढ़ता है तो फिर हम उस रंग के रंग में रंगे जाते हैं, और जो उस रंग में रंगा गया उसको ही अनुभव होता है कि रूहानियत का रास्ता क्या।